दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ा जबरदस्त काम किया है आप लोगों ने, विद्यार्थियों ने, खासतौर से सरकार पर इतना दबाव बनाया है। रोजगार का मुद्दा टॉप पर आ गया है और उत्तर प्रदेश सरकार भारी दबाव में है। आपने देखा होगा कि कल से लगातार भर्तियों के बारे में शासन प्रशासन के द्वारा जानकारी दी जा रही है। मीटिंग भी हुई थी कल लखनऊ में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और अब परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी हो रहा है। लोक सेवा आयोग ने तो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी ही कर दिया, साथ में अन्य विभागों को भी फटकार लगाई गई है। आज के समाचार पत्रों में पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में रिक्त पदों में भर्ती की बात की गई है। यह भी कहा गया कि जो पद पदोन्नति से रिक्त होने वाले हैं उन पदों पर अभी से विज्ञापन निकाल दिया जाए, इसकी भी बात करूंगा। उसके बाद में बात करूंगा मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। बाबुओं की, अधिकारियों की क्या चयन प्रक्रिया है, क्या है, जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश अच्छी नहीं है उन विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एसएससी की वैकेंसीज की। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बेचैन हैं। भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है और माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। मालूम हो कि इस वर्ष 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा कराई थी। परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 43 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। तो नोटिस पहले हफ्ते में जारी होगी और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जुलाई में ही लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है बोर्ड। अगली सूचना है कल की मीटिंग की। हालांकि मैंने सुबह की वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी थी, ये एक दूसरा समाचार पत्र है जिसमें अलग से जानकारी दी गई है। कुछ लिखा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से चयन वर्ष शुरू हो रहा है और इस दौरान सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियों में वे पद भी शामिल हो रहे हैं जो 30 जून 2025 तक पदोन्नति से रिक्त होने वाले हैं। तो जुलाई की जो वैकेंसी है उसमें इन पदों को भी जोड़ा जाएगा। लिखा है कि यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 30 सितंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। ये देखिए, और ये पदोन्नति की बात हो रही है, उसके बाद जो पद रिक्त होंगे उस पर नई भर्ती होगी। लिखा है कि यह निर्देश गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2024 से चयन वर्ष 2024-25 प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं या पदोन्नति के बाद रिक्त होने वाले हैं सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही या विलंब न किया जाए ताकि कर्मचारियों की कमी से शासकीय कार्य प्रभावित ना हो। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों में कार्मिकों की कमी से कार्यरत कर्मियों पर अतिरिक्त दबाव आ रहता है। और यहाँ पर मेन जो बात है वो है चुनाव की। चुनाव में जो समीक्षा की गई है उसमें यह पता चला है कि रोजगार का जो मुद्दा था उससे बहुत तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है। तो बाकी की बातें मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जिसमें लिखा है अध्याचन वगैरह के बारे में निश्चित समय के अंदर पूरा कर लिया जाए, भेज दिया जाए। और अब हम बात करेंगे जो IBPS से बैंकों में भर्ती आ गई है जिसके लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के पद हैं, एक तो अधिकारी लेवल के पद हैं, ऑफिसर लेवल के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और दूसरा ऑफिस असिस्टेंट का यानी कि बाबुओं की भर्ती है। पूरी बात बताऊंगा आप कितने पद हैं, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से भर्ती होगी, दोनों की अलग अलग सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं इसके लिए आवेदन, सबसे पहले तारीखें देख लीजिए, यहाँ पर तारीखें हैं इसकी 7 तारीख से इसके लिए आवेदन, यानी कि आज से इसकी आवेदन शुरू है और लास्ट डेट इसकी 27 जून है। यहाँ पर किस प्रकार के पद हैं, पदों के बारे में जानकारी दी गई है, ये देख लीजिए। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRBs ग्रुप ए ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी है, काफी अच्छे खासे पद हैं। विल बी कंडक्टेड बाय IBPS। पिछली बार भी लगभग 8100 पदों पर यह भर्ती आई थी। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को कि जो स्टेट की विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी ध्यान दें, अगर उनके छोटे भाई कंपटीशन में आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर वो जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो स्टेट की बजाय जो सेंट्रल की वैकेंसीज हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, साल बचेगा। पहली बात तो ये कि ये जो भर्ती है वो नियमित उसका प्रोसेस है, हर साल ये वैकेंसी आती है। जो आप ये वैकेंसी देख रहे हैं IBPS से बैंकों की अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बैंक भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो बैंक हैं, कुछ बैंकें अपना अपनी सीधी भर्ती करवाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बैंकों की जो भर्तियां हैं वो अब IBPS से ही होती हैं। तो बैंकों की जो भर्तियां होती हैं वो हर साल निकलती हैं और निश्चित समय के अंदर पूरी हो जाती हैं, लगभग 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाती है। इसी तरीके से जो सेंटर की वैकेंसी होती है SSC, उसका भी यही फायदा है कि उसमें भी हर साल वैकेंसी आती है, चाहे वो SSC CGL की वैकेंसी हो, SSC CHSL की वैकेंसी हो, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी हो, या SSC GD, विभिन्न प्रकार की जो भी भर्तियां होती हैं, तो हर साल वैकेंसी आती है। वहीं पर जो विद्यार्थी स्टेट की वैकेंसी की तैयारी करते हैं, जैसे GD की वैकेंसी वहाँ पर हर साल आती है, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 4-5 साल बाद आती है। पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का विज्ञापन कितने दिन बाद देखने को मिला आप लोगों को, 6-7 साल बाद देखने को मिला, 6 साल बाद।
और अगर विज्ञापन जारी भी हो जाता है तो भर्ती जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए जो सेंट्रल की वैकेंसी है, अब विद्यार्थी इसलिए ज्यादा आवेदन नहीं करते हैं सेंट्रल की वैकेंसीज में कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, और जो सेंट्रल की वैकेंसीज होती है उसमें इंग्लिश ज्यादातर भर्तियों में आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मौके हैं जहां पर इंग्लिश नहीं आती है, आती है तो वो नाम मात्र की इंग्लिश है और हाई स्कूल लेवल की है, उसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग डरे नहीं, एक बार मेहनत है और फिर जल्दी से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो दो प्रकार के पद हैं ऑफिसर लेवल के, यहाँ पर जैसे लिखा है ये स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट, दोनों का जो विज्ञापन है वो एक साथ है, दोनों भर्तियों के बारे में एक साथ जानकारी दी गई है एक ही नोटिफिकेशन में। इसमें इस नोटिफिकेशन में देखिए ये भी एक फायदा है, जैसे स्टेट लेवल की जो वैकेंसी होती है उसमें विज्ञापन निकाल देते हैं, मगर ये नहीं बताया करते हैं कि परीक्षा कब होगी, इसमें सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि कब आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, कार लेटर आप जुलाई में आप डाउनलोड कर लेंगे, और इसका जो पीईटी एग्जाम होगा वो 22 जुलाई को होगा, डाउनलोड कार लेटर ऑनलाइन एग्जाम प्री का जुलाई अगस्त में, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। नीचे लिखा है कि रिजल्ट कब जारी होगा प्री का और ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम इसका अगस्त में होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये ट्रेनिंग की बात हो रही थी, ये कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग पीईटी, ये उसकी बात हो रही है, प्री एग्जाम की बात नहीं, प्री एग्जाम यहाँ पर नीचे ये देखिए लिखा और अगस्त में एग्जाम है और इसका जो रिजल्ट है वो भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। देखिए अगस्त में एग्जाम है, अगस्त के सितंबर जो 22 डेट्स हैं, चूंकि ये कोई निश्चित डेट्स नहीं है, ये संभावित तारीखें हैं। इसके बाद में इसमें प्री और मेंस होता है, जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी होती है उसमें प्री और मेंस होता है, और जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इन विद्यार्थियों का जो मेंस एग्जाम है वो कब होगा, तो यहाँ पर देखिए सितंबर के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो है ऑफिसर स्केल का और मल्टीटास्किंग का यहाँ पर मेंस की तारीखें भी बता दी गई हैं, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जनवरी 2025 में आप लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट के जो मिल जाएगा। हम लोग मेन चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पर एज देख लीजिए, एलिजिबिलिटी वाली जो मेन बात है, 1 जून 2024 को आप 18 से 28 के बीच में हैं तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है, और जो ऑफिसर लेवल यानी बैंक पीओ की जो वैकेंसी है, यहाँ पर देखिए ग्रुप ए के लिए यहाँ पर लिखा है तीन प्रकार के पद हैं, ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकेंड मैनेजर, ये असिस्टेंट मैनेजर है, और ये यहाँ पर ये सीनियर मैनेजर है नीचे लिखा हुआ है जो। तो सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 और मैनेजर के लिए 21 से 32 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल की जो एज है वो मांगी गई है। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। अब आ जाइए यहाँ पर योग्यता देख लीजिए, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि परीक्षा का प्रारूप क्या है, आपसे प्री और मेंस में क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के। तो ये ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है इसमें भी ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, बैंकों के लिए ग्रेजुएट विद्यार्थी मांगे जाते हैं, चाहे वो क्लर्क की वैकेंसी हो चाहे वो अधिकारियों की वैकेंसी हो। यहाँ पर ये भी कहा है कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, जिस स्टेट में आप काम करेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, आंध्र प्रदेश का है तो वहाँ पर तेलुगु आना चाहिए, अगर आप बंगाल की बैंकों के लिए आवेदन करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए तो आपको बंगाली आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अगर काम करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी बैचलर की डिग्री मांगी गई है, यहाँ पर कुछ अलग अलग योग्यताएं भी लिखी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और ये ऑफिसर स्केल सेकंड, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो 50% के मार्क्स भी इसमें मांगा गया है, और साथ में किसी भी स्ट्रीम पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप आवेदन कर सकते हैं। और कुछ लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ये जो अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर ना, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से स्नातक हैं, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, एनिमल हस्बेंड्री से है, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इन ये अलग अलग बहुत सारी डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, अगर इससे हैं तो आपको थोड़ा सा वरीयता मिलेगी, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से ऑफिसर स्किल की वैकेंसी में, चूँकि ये ग्रामीण की वैकेंसी है ना, इसलिए अगर कोई ग्रामीण या कृषि से आपने कोई कोर्स किया तो उसका फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी तरीके से ऑफिसर स्केल में भी स्नातक मांगा गया, 50% होना चाहिए आपका, और यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर वगैरह फॉरेस्ट्री वगैरह अगर है तो आपको वरीयता मिलेगी। आ जाइए देख लीजिए सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो ये है यहाँ पर देखिए, जो प्री होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए बाबू की जो भर्ती है उसमें रीजनिंग जो है पूछी जाएंगे, 40 नंबर 40 क्वेश्चन यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, 40 नंबर के 40 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो केवल रीजनिंग और गणित का पेपर है प्री का, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, ये आप हो गया आपका प्री बाबू का। अगर आपकी गणित अच्छी है और रीजनिंग अच्छी है तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, इसके अलावा यहाँ पर कोई कुछ करंट अफेयर वगैरह जीएस वगैरह नहीं है प्री में। और अब आ जाइए ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी में, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें देखिए 40 और 40, और यहाँ पर ये मेन्स का देख लीजिए आप लोग, ऑफिस असिस्टेंट में जो बाबू की भर्ती है तो मेन्स में पूरा बदल गया है, ये देखिए उसमें जहाँ पर जो प्री एग्जाम था उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी केवल मांगा गया था, जबकि इसमें लंबा पोर्शन है, इसमें आपको रीजनिंग दे रही, तो रीजनिंग तो आपको पहले ही आती है, कंप्यूटर नॉलेज
सभी विद्यार्थियों का आता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी अनिवार्य है, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह मतलब। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा एक लाभ मिल रहा है जो बैंकों की नौकरियों में विद्यार्थी सोचा करते हैं इंग्लिश से आएगी, तो यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ये नौकरी है, तो इसमें आप चुन सकते हैं कि आप इंग्लिश से एग्जाम देना चाहते हैं या हिंदी से देना चाहते हैं। तो 4A 4B लिखा है, तो इसमें आपको इन दोनों में से एक चुनना है। अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी चुन सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लगता है पूरे नंबर ले लेंगे तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। और उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ पर ये पांच पोर्शन है, देख लीजिए 4×5=20, 40 नंबर के पांच पोर्शन है, तो यहाँ पर दिखाई तो देंगे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस हिसाब से तो होता है 240, लेकिन इनमें से इन दोनों में से एक लेना है, इसलिए आपका 200 का पूर्णांक है और यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस तो ठीक ही है, कोई इसमें नई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि आपको अलग से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़े। और इसी तरीके से ये ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी थोड़ा थोड़ा सा उसी प्रकार का सिलेबस है। और यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, और इसमें दोनों में से एक चुनना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बस ये सिलेबस है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A या 4B में कोई एक लेना है। तो अगर रीजनिंग और मैथ आपकी ठीक है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी जो लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। ये आगे रिक्तियाँ हैं, देखिए ये रिक्तियाँ हैं और इसमें अलग अलग बैंकों के बारे में जानकारी दी गई है, आंध्र प्रदेश के कौन कौन से बैंक हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बैंक हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जाकर के वहाँ से देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियाँ हैं, मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश में कितनी भर्तियाँ हैं, बिहार के हैं तो बिहार में कितनी वैकेंसीज हैं। और पदों की संख्या लगभग 9,000 बताई जा रही है, पिछली बार भी जैसे मैंने बताया कि लगभग 8,000 वैकेंसीज थी, और इस बार पदों की संख्या जो है ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 9,000 पद हैं। और अब बात कर लेते हैं एसएससी की, तो एसएससी की इस महीने दो और भर्तियाँ आएंगी। मैं बताऊँ कि एक तो है एसएससी सीजीएल, पदों की संख्या लगभग 13-14 हज़ार के आसपास हो सकती है, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से कहा गया था 3,000, लेकिन पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और एक भर्ती है एसएससी मल्टीटास्किंग, तो ये दो भर्तियां आप लोगों को जून के महीने में ही देखने को मिलेंगी। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को 10 जून को जारी हो सकता है, 11 जून से इसके लिए आवेदन भी शुरू हो सकते हैं। और रेलवे से भी भर्तियां शुरू होने वाली हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल 1 की, जिसके बारे में रेलवे ने पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे दी थी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक सूचना एसएससी जीडी को लेकर के, एसएससी जीडी के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि इसका जो रिजल्ट है वो किसी भी समय जारी हो सकता है, संभावना यही है कि 10 से 15 जून के बीच में हर हाल में एसएससी जीडी का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।